हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक टिक रिव्यू में। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डाल सकता है। ये न्यूज़ अभी ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि चाइना जो है इंडिया के ऊपर साइबर अटैक करने वाला है या कर चुका है, हो सकता है कर चुका है, क्योंकि डेट 21 जून का था जो कि निकल गया है। तो हो सकता है हम उस अटैक को अभी स्टार्ट हो गया है, हम उसके अंदर ही हैं। तो मैं उस बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सनल डेटा कैसे उसको सिक्योर करें, उस बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास रहे बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, चाइना जो है इंडिया के ऊपर साइबर अटैक करने वाला है या कर चुका है, हो सकता है, क्योंकि जो डेट हमें मिला है इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन सिफर्मा घोस्टनेट और इंडिया का साइबर सिक्योरिटी एजेंसी जो है सर्टिन, इन सब के जो तथ्य हैं उन सब से हमें जो जानकारी मिली है वो डेट था 21 जून, जो कि निकल चुका है। तो हो सकता है कि शुरू हो गया है या होने वाला है, मैं पता नहीं, लेकिन होगा ज़रूर। तो इससे क्या क्या हो सकता है? देखिए, अभी हमारा जो सिग्नलिंग सिस्टम है, जैसे रास्ते में जो सिग्नल्स होते हैं, जो ट्रेन के जो सिग्नल्स होते हैं, वो सारे कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, वो ऑटोमेटेड हो गए हैं, वो मैनुअली उनको कंट्रोल करना नहीं पड़ता है, वो कंप्यूटराइज तरीके से चलता है, ऑटोमेटिक सिग्नल्स हैं, ठीक है। तो इन सब को हैक किया जा सकता है दोस्तों, इन सब को अगर, ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को अगर हम हैक कर लें तो इन सारा जो इसका जो सिस्टम है उसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि चाइना करने वाला है या करने का सोच रहा है। अगर उसने ऐसा कर लिया तो हमारा पूरा देश जो है वो अफेक्टेड होगा। इसके लिए पूरा सिग्नलिंग सिस्टम, बैंक का फिनेंशियल नेटवर्क, ग्लोबल जो हमारे कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े कंपनी जो ग्लोबल बिज़नेस करते हैं, इंटरनेशनल बिज़नेस करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनके जो पर्सनल नेटवर्क्स होते हैं, वो सारे नेटवर्क्स, ये सारा कुछ वो लोग हैक करने के बारे में सोच रहे हैं। और इसके लिए अलग सा टीम जो है वो तैयार हो चुका है और इसके लिए हमें जो है अभी से अलर्ट होना पड़ेगा, सावधानी बरतनी होगी, ताकि हमारा जो पर्सनल डेटा है, हमारा जो बैंक डिटेल्स हो सकता है, पर्सनल चीज़ें हो सकते हैं, फ़ोन का पर्सनल डेटा हो सकता है, वो जो है वो किसी और के पास ना चला जाए। तो कैसे हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं? तो पहले मैं डिस्कस करूँगा कि ये सारा जो कुछ न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो रिसेंटली ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो एज़ पर सर्टिन एंड सिफर्मा रिपोर्ट, सिफर्मा जो है इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन है और सर्टिन जो है इंडिया का साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है। तो एज़ पर देयर रिपोर्ट जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है, वो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मिलियंस ऑफ इंडियंस कुड बी टारगेटेड बाई फेक ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट और टेक्स्ट मैसेजेस रिलेटेड टू COVID-19 इन ऑर्डर टू स्टील देयर क्रेडेंशियल्स और कॉम्प्रोमाइज देयर कंप्यूटर्स। इंडियाज़ ऑफिशियल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सर्टिन सेड इन एन एडवाइजरी अपलोडेड ऑन फ्राइडे, सिटिंग अ रिपोर्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हु सेड द अटैक इज बीइंग प्लान्ड बाई नॉर्थ कोरिया बेस्ड साइबर क्रिमिनल्स। तो सेम चीज़ जो है टाइम्स नाउ में भी बोला गया है कि साइबर क्रिमिनल्स आर सेंड फिशिंग ईमेल्स इन द फॉर्म ऑफ इम्पॉर्टेंट COVID-19 अपडेट और अंडर द ग्रैब ऑफ फॉल्स क्योर। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट मैसेजेस आएंगे, कुछ ईमेल्स आ सकते हैं, कुछ सोशल मीडिया में आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो यूज़ करते हैं वहाँ पे कुछ पोस्ट देख सकते हैं जहाँ पे लिखा होगा कि इम्पॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड COVID-19, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, कुछ लिंक हो सकते हैं, कुछ मतलब फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपको उन नंबर्स पे या लिंक पे क्लिक नहीं करना है दोस्तों। अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक थर्ड पार्टी वेबसाइट में चला जाएगा बिना आपके परमिशन, विदाउट योर कंसेंट। एक एप्लीकेशन हो सकता है आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में हो सकता है, आपके मोबाइल डिवाइस में हो सकता है, कुछ भी डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फ़ोन का, एंड्रॉयड का, iOS का या कंप्यूटर का, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो उसको हैक कर लेगा। देन दे कैन रिमोटली एक्सेस योर डिवाइस।
रिमोटली एक्सेस करेगा और कुछ भी डेटा निकाल लेगा आपके फ़ोन से। वो आपका पर्सनल बैंक डिटेल्स हो सकता है, कोई ऐप का डिटेल्स हो सकता है, आपका पर्सनल डेटा हो जा सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो डेटा जो है उन लोगों के पास चला जाएगा। तो किसी भी लिंक या ईमेल में क्लिक नहीं करना है जो कि हमें लगता है कि फेक हो सकता है, या COVID-19 रिलेटेड कुछ ईमेल्स या टेक्स्ट मैसेजेस अगर हमारे पास आए। और चिंता की बात यह है कि वो जो मैसेजेस या ईमेल्स हमारे पास आएंगे वो ये दिखाएगा कि पीएम केयर्स या प्रधानमंत्री के तरफ से हमारे पास आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हैकर्स ने प्लान करके बनाया है, जो कि प्रधानमंत्री का जो योजना होते हैं, उनका जो डिपार्टमेंट होता है, पीएम केयर्स होते हैं, पीएम केयर फंड्स होते हैं, उन सब के थ्रू हमारे पास ऐसा कुछ दिखाएगा कि वहाँ से आ रहा है। तो नीचे कुछ लिंक होगा, कुछ नंबर्स होगा जिस पर क्लिक करने के लिए बोलेगा। अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोन जो है, हमारा कंप्यूटर जो है, वो हैक हो सकता है। तो हमें किसी भी हालत में वो सब लिंक्स को या वो कुछ कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ भी हो तो उनमें क्लिक नहीं करना है। और थर्ड पॉइंट मैं जो कहना चाहूँगा, उस थर्ड प्रॉब्लम होगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ईमेल के थ्रू या आपका जो है टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू या सोशल नेटवर्किंग साइट में ही ये सब हैकिंग होगा, ये ऐप के थ्रू भी होगा। कुछ मालवेयर ऐप्स होंगे जो कि आपका फ़ोन, आपके फ़ोन में जो मोबाइल बैंकिंग ऐप हो सकते हैं, बैंकिंग डिटेल्स हो सकते हैं, फिनेंशियल कॉन्फिडेंशियल डेटा हो सकता है, उसको चुराएगा मालवेयर्स। ये सब मेनली एक नाम हमें मिला है जिसका नाम है इवनबॉट। इवनबॉट बोल के ऐप आपके फ़ोन में हो सकता है इंस्टॉल हो जाए। अगर आपको कहीं भी ये ऐप मिले या दिखे तो प्लीज़ उस पर क्लिक मत कीजिएगा, डाउनलोड मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है जो कि आपके फ़ोन में या पीसी में इंस्टॉल होके रिमोटली जो है हैकर्स को डेटा ट्रांसफ़र करेगा। इसीलिए इसको बनाया गया है, हैकर्स ने बनाया है। तो और प्रॉब्लम क्या है कि रिसेंटली NTRO के रिपोर्ट के अनुसार वो लोग ये बता रहे हैं कि अब लॉकडाउन में, ड्यू टू लॉकडाउन क्या हो रहा है, पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम करने के दौरान हमारे जो जो कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हो सकते हैं, उनका जो पर्सनल वेब सर्वर होता है, पर्सनल नेटवर्क होता है, इथरनेट होता है, उसको जो है ये लोग ईजीली हैक कर पा रहे हैं, कर पाएंगे ईजीली। तो हो सकता है आपका जो पर्सनल ऑफिशियल ईमेल आईडी है या ऐसा कुछ ऑफिशियल आउटलुक हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकता है, वहाँ पे भी ये सारे ईमेल्स जो हैं आ सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ऑफिशियल ईमेल में आया है तो कुछ ऑफिशियल डेटा होंगे, उस पर क्लिक करना है या वहाँ पे जाना है, नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फेक न्यूज़ है या कुछ भी COVID-19 रिलेटेड ऐसा आपको लगता है कि कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट से या कुछ डिफरेंट जगह से जो कि आपको लगता है कि ऑफिशियल नहीं है, तो उस पर प्लीज़ 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 क्लिक मत कीजिएगा। और मैं कुछ ऐप का नाम आपको बताऊंगा जो कि अभी भी आप, अगर आपके फ़ोन में है, मैंने एक वीडियो बनाया भी था इसके ऊपर, अभी भी उसमें से कुछ ऐप है जो कि बहुत डेंजरस है, अगर आपके फ़ोन में है तो प्लीज़ उसको डिलीट कर दीजिए। नंबर 1 टिकटॉक, 2 शेयर इट, 360 सिक्योरिटी, क्लीन मास्टर चीता, पैरेलल स्पेस, शियोमी वीडियो कॉल, MI स्टोर, इन सारे ऐप को प्लीज़ अपने फ़ोन से निकालिए, क्योंकि वो जो हैकर्स हैं वो इन सारे ऐप के थ्रू आपका डेटा जो है वो चुराने वाले हैं। और मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, वो जानते नहीं हैं, फ़ोन को सेटिंग्स में जाके हर एक ऐप को जो है स्टोरेज का परमिशन दे देते हैं, कॉन्टैक्ट्स का परमिशन अलाउ कर देते हैं, जो है फ़ोन कॉल्स का परमिशन अलाउ कर देते हैं। इसके लिए क्या होता है, उन लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है वो सारा डेटा जो है एक्सेस करना, आपके फ़ोन में कौन कौन से नंबर्स सेव हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो सारा डिटेल्स रिकॉर्ड करके उन लोगों के पास जा सकता है। आपके फ़ोन में क्या फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, बैंक डिटेल्स हैं, कुछ भी डेटा आप फ़ोन में क्या कर रहे हैं, वो ऐप के थ्रू वो डेटा उन लोगों के पास इजीली वो लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर अभी भी आपके पास ये सारे ऐप्स हैं तो प्लीज़ इनको फ़ोन से निकालिए और डिलीट कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए। तो और एक चीज़ मैं फाइनली बताना चाहूँगा, एक वेबसाइट होगा जो कि आपको लगेगा कि गवर्नमेंट वेबसाइट है, लेकिन वो गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं है, उन वेबसाइट से भी आपको ईमेल आ सकता है। वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिए, एड्रेस ncov2019.gov.in।
मैं फिर से बताता हूँ, ncov2019.gov.in। COV मतलब कोविड रिलेटेड कुछ बता रहा है, 2019 जो ईयर है, GOV मतलब गवर्नमेंट एजेंसी बता रहा है, और इन मतलब IN मतलब इंडिया का वेबसाइट है, जो कि नहीं है, ये एक फेक वेबसाइट बनाया गया है हैक करने के लिए। यहाँ से अगर आपको कुछ मेल मिलता है, कुछ आपको कुछ रिसीव होता है, तो प्लीज़ उसका रिप्लाई मत कीजिए, उसको क्लिक मत कीजिए, उस पर अगर कोई लिंक हो तो वहाँ पर मत जाइए। अगर आपको यहाँ से कुछ ईमेल आता है तो प्लीज़, मैं एक ईमेल आईडी आपको देता हूँ, प्लीज़ इसको भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो है आपको एक ईमेल ड्राफ्ट करके यहाँ पे भेजना है, जो कि 13 का ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। यहाँ ये जो है हमारा इंडिया का साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है। अगर आप इनको ये इंतला करेंगे कि हाँ मेरे पास ये इस ईमेल आईडी से जो है कुछ आया है, तो वो लोग रिक्वायर्ड स्टेप्स ले सकेंगे। वो एड्रेस है incident@13.org.in। मैं फिर से बताता हूँ, incident@13.org.in। यहाँ पे ईमेल करके आपको वो सारा डिटेल्स जो है, आप किन सोर्स से क्या क्या आपको मिला है, वो डिटेल्स इन सबको भेज दीजिएगा। ये जो है गवर्नमेंट एजेंसी है, ये रिक्वायर्ड स्टेप्स ले पाएंगे, और ये ज़रूरी भी है हमारे देश के लिए, क्योंकि किसी एक के साथ होगा तो वो स्प्रेड हो जाएगा बहुत लोगों के पास। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है, ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि देश के लोगों को ये इत्तला कर पाऊँ, ये दिखा पाऊँ कि क्या हो रहा है, और आपका सिक्योरिटी जो है आपको देखना है, आपको संभाल के रखना है, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको देखने के लिए। तो प्लीज़ मैंने जो स्टेप्स बताए, जो ऐप्स के बारे में बताया, जो वेबसाइट्स बताए, तो प्लीज़ उनको फॉलो कीजिएगा, वो सारा स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, फ़ोन को सिक्योर कीजिए, अपना कंप्यूटर को सिक्योर कीजिए, नहीं तो हो सकता है कल उठ के आपका अपना चीज़, पर्सनल चीज़ किसी और के पास जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास रहे बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।